टैक्स से जुड़ी परेशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरण तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का, जो कपास से है। बता दें, महाराष्ट्र में इस समय कपास का मौसम अपने अंतिम चरण में है, इसके बावजूद अभी भी बाजार में फसल का रिकॉर्ड रेट मिल रहा है। सीजन की शुरुआत से कपास कीमतों में तेजी का रुझान है, जो अंतिम चरण तक जारी है। वहीं सेलू मार्केट कमेटी में कपास को इस सीजन की सबसे ज्यादा कीमत मिली है। वहीं वर्धा में कपास 14,370 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बिक रही है। एक किसान 15 क्विंटल कपास लेकर यहां पहुंचा था, जिसके बाद में उसे 2,15,475 रुपए मिले। वहीं कपास उत्पादन में गिरावट के बावजूद किसान बढ़ी हुई दरों से संतुष्ट है। वहीं महाराष्ट्र में न केवल मराठवाड़ा में बल्कि राज्य के अन्य हिस्सों में भी कपास के रकबे में गिरावट देखने को मिली है। वहीं गिरती कीमतों और वॉर्म कीटों के होने वाले नुकसान के कारण किसानों ने सोयाबीन और अन्य फसलों पर ध्यान देना शुरू कर दिया है, लेकिन इस साल के रिकॉर्ड रेट की तस्वीर बदलने की उम्मीद है। कृषि विभाग का कहना है कि अगर कपास के बीज समय से पहले मिल जाते हैं तो किसान तुरंत कपास बोना शुरू कर देंगे, जिससे कीटों का जो प्रकोप है वो बढ़ सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष कृषि विभाग ने बीज आपूर्ति के लिए अलग से योजना तैयार की है। इस साल के रिकॉर्ड भाव को देखते हुए खरीफ सीजन में कपास के रकबे में भारी बढ़ोतरी की उम्मीद है। सीजन की शुरुआत में यह निश्चित था कि उत्पादन में गिरावट से कपास की कीमत में वृद्धि होगी, लेकिन किसानों ने कपास बेचने के बजाय इसे बड़े पैमाने पर जमा करना शुरू कर दिया है। इसका फायदा उन्हें पूरे सीजन में मिला और कपास ऊंचे दामों पर बिक रही है। पूरे सीजन में कपास की कीमतों में एक बार फिर से गिरावट नहीं आई है। भाव 7,000 रुपए प्रति क्विंटल से शुरू होकर आज 14,370 रुपए पर आ गए हैं। इस साल कपास की रिकॉर्ड कीमत मिली है, उम्मीद है कि दरें और बढ़ सकती है। कपास की कीमत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इससे पहले पश्चिम विदर्भ में कोट बाजार समिति ने 13,500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से इनको मिला था। वहीं वर्धा जिले के शेलू मार्केट में कमेटी में सारे रेट तोड़ दिए गए थे। इस मंडी समिति में किसान ने 15 क्विंटल कपास बेचने के लिए वह लाए थे, जिसके लिए उन्हें 2,15,475 यानी कपास की कीमत 14,365 रुपए प्रति क्विंटल उनको मिली थी, जो कि पहुंच गई है। वहीं किसान ने कहा कि आने वाले खरीफ सीजन में भी कपास की खेती पर जोर देंगे, जिसके लिए उन्होंने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। तो ये थी बात कपास की, कि कपास को रिकॉर्ड रेट मिलने से किसान बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। सीजन की शुरुआत से ही कपास कम भाव में तेजी जो है उसमें बनी हुई है वो देखने को मिल रही है, जो अंतिम चरण तक बरकरार है। वहीं कपास को इस सीजन की सबसे ज़्यादा कीमत सेलू मार्केट कमेटी से मिल रही है। वहीं वर्धा में भी कपास 14,370 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बिक रहा है। आज की बड़ी खबरों में बस इतना ही, लेकिन और बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अहमदाबाद से अगरतला तक, बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।